कहानी की शुरुआत एक भालू ब्रेम्बल के साथ होती है जो शेर पर हमला करने वाले मॉन्स्टर को हराकर हीरो बन जाता है और सब उसे पसंद करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उसका भाई ब्रेर भी उसे काफी पसंद करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे केवल एक सपना देख रहा है। वास्तव में तो विक्टर नाम के आदमी ने उसे टिक्की बाबू और ब्रेर के साथ मिलकर जंगल का कचरा साफ करने के लिए कहा था, जो अपना काम हमेशा सही करते हैं। विक्टर ब्रेम्बल को इनकरेज करने के लिए उसे आइसक्रीम का एक पीस देने का वादा करता है ताकि वे अपना काम टाइम पर पूरा कर सके। इस वजह से वे काफी एक्साइटेड हो जाता है। जंगल के दूसरी तरफ दो शिप एक अन्य फॉरेनर शिप की ओर शूटिंग कर रहे हैं जो किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आ गए हैं। एक ऑटोमेटिक मिसाइल एलियन शिप को शूट करने के लिए लॉन्च कर दी जाती है। ब्रेम्बल काम फिनिश करने के बाद आइसक्रीम की तलाश में अचानक इस घटना को देखता है और उस पर एक बड़ा सा क्यूब गिरने वाला होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वे इससे बच जाता है। गलती से क्यूब के अंदर से एक हेक्सोन क्यूबिक बाहर निकलता है। ब्रेम्बल इसे लेने के लिए काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही वे इसे टच करता है उसकी इंटेलिजेंस एकदम बढ़ जाती है। ब्रेम्बल अपने साथ जो हुआ उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका डर चला जाता है जब उसे विक्टर के घर में आइसक्रीम मिल जाती है, लेकिन उसके पास इसे खाने का टाइम नहीं होता क्योंकि उस फॉरेन शिप में बैठा गेस्ट उस घर में घुस जाता है। ब्रेम्बल को पता चलता है कि ये तो एक मेल कैट है जिसका नाम पोबी है। पोबी को लगता है कि ब्रेम्बल ने क्यूबिक की पावर को चुरा लिया है, इसलिए जब आइसक्रीम खाने की कोशिश करता है तो पोबी ब्रेम्बल को अपनी ओर खींच लेता है। इस वजह से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। ब्रेम्बल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वे उस आइसक्रीम को खा नहीं पाया था, इसलिए वे पोबी पर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है। इसके बाद वे वहां से भाग जाता है और ब्रेर और विक्टर को मदद के लिए बुलाकर लाता है। हालांकि पोबी अपनी इनोसेंस का फायदा उठाता है और अपने खूबसूरत अपीयरेंस से उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रेम्बल को घर को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया जाता है। वे यही नहीं रुकता और ब्रेम्बल को डांट पड़वाने के लिए अपना नाटक जारी रखता है। दूसरी तरफ दो आदमी अपने ट्रूप्स को एक ड्रोन से पोबी के ठिकाने की तलाश करने के लिए भेजता है। वे जानते हैं कि पोबी जंगल में ही कहीं है। आज विक्टर ब्रेर और बाकी सब टाउन की ओर जा रहे हैं, जबकि ब्रेम्बल जंगल में रुकने का डिसाइड करता है। वे पोबी की देखभाल करने का बहाना बना लेता है। एक दूसरे के साथ रहने के बजाय पोबी और ब्रेम्बल के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक कॉस्ट्यूम पहने हुए सोल्जर्स का एक ग्रुप उन पर अटैक करने के लिए वहां पर आ जाता है। इसे देखकर ब्रेम्बल डर जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। पोबी अपनी खतरनाक फाइटिंग स्किल्स का यूज करके एक एक करके उन्हें हरा देता है। पोबी फिर से अपने नैनो टेक्नोलॉजी वाले सूट को हटाकर ब्रेम्बल को समझाता है कि वे किसी दूसरे ग्रह से हैं और ये अटैक तब तक जारी रहेंगे जब तक कि वे अर्थ पर हैं। वे उसे ये कहकर डराता है कि उनका अगला टारगेट उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। पोबी कहता है कि वे वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसका प्लेन डैमेज हो गया है और केवल ब्रेम्बल इसे ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास उस क्यूब की इंटेलिजेंस है जो उसे पहले मिला था। पोबी कहता है कि यदि वे अपने दोस्तों को बचा पाया तो वे वो हीरो बन सकता है जो वे हमेशा से बनना चाहता है। ये बात सुनकर ब्रेम्बल इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। पोबी उसे एक्सप्लेन करती है कि उसके माइंड की इंटेलिजेंस ही विमान को ठीक करने की चाबी है। ब्रेम्बल को जंगल में बिखरे हुए प्लेन के हर टुकड़े को खोजने के लिए और उन्हें जोड़ने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल करने में सक्षम होना होगा। ब्रेम्बल फोकस करके अपनी एबिलिटी से प्लेन के एक टुकड़े को ढूंढ लेता है। दो ट्रक ड्राइवर टुकड़े को शहर के बीचों बीच से कहीं ले जा रहे हैं। वे दोनों उनका पीछा करते हैं। जब पोबी अटैक करके प्लेन के पार्ट्स को लेने ही वाला होता है तभी उसके शूट की एनर्जी खत्म हो जाती है। ब्रेम्बल भी अपना कॉस्ट्यूम पहनता है लेकिन ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। अपने प्लेन के पार्ट्स को लेने के लिए पोबी ट्रक का पीछा करता है लेकिन वे भीड़ के बीच फंस जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वे कार एक्सीडेंट से लगभग बच ही जाता है। दो पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ने वाले होते हैं लेकिन ब्रेम्बल दौड़कर पोबी को बचा लेता है और उसे खींचकर टाउन की ओर ले जाता है जहां वे ब्रेर और बाकी सब से मिलते हैं जो शॉपिंग करके अभी अभी बाहर निकले हैं। पीछा करना अब भी जारी रहता है। उनका पीछा करते हुए ब्रेर और बाकी सब सीमेंट के अंदर धंस जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेम्बल अपने पहनावे से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। वे प्लेन के टुकड़ों की लोकेशन का पता लगाने में भी कामयाब हो जाता है। स्क्रैप रिसाइकलिंग साइट पर एक मशीन का उपयोग करके पार्ट्स को नष्ट कर दिया जाएगा। जब दोनों ऑफिसर्स गेम खेल रहे होते हैं तो ब्रेम्बल और पोबी इस मौके का फायदा उठाकर प्लेन के अंदर चले जाते हैं जहां पोबी अपने कॉस्ट्यूम की बैटरी को रिचार्ज करता है और ब्रेम्बल अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके प्लेन के डैमेज का पता लगाता है। इसी बीच दोनों ऑफिसर्स को उनके बारे में पता चल जाता है। पोबी उन्हें रोकने के लिए जाता है ताकि ब्रेम्बल को इंजन को फिक्स करने का टाइम मिल सके। पोबी उन दोनों को आसानी से हरा देता है। इसी बीच प्लेन मशीन के अंदर गिरने ही वाला होता है लेकिन पोबी अपने पावर से इसे रोकने की कोशिश करता है जबकि ब्रेम्बल जल्दी से अपने इंटेलिजेंस का यूज करके शिप को रिपेयर करता है। इसके बाद वे ब्रेम्बल के दोस्तों से मिलने के लिए शहर की ओर चले जाते हैं जो अब भी सीमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेम्बल अपने आज के असाधारण अनुभवों को शेयर करने के लिए एक्साइटेड होता है लेकिन वे उदास हो जाता है जब वे अपने सभी दोस्तों से उनके भाग्य के बारे में शिकायत करते हुए सुनता है।
जिसका कारण ब्रेम्बल है। इसके अलावा ब्रेड भी उसे दोषी ठहराता है। दूसरी तरफ पॉबी भी उदास महसूस कर रहा है क्योंकि वे अपनी फैमिली को मिस कर रहा है। इसके बाद वे दोनों साथ में स्वीट पोटैटोज खाते हैं। ब्रेम्बल को रियलाइज होता है कि वे जो कुछ भी करता है उससे नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वे जो कुछ भी करता है उसमें सबको खुश रखने की कोशिश करता है। अचानक एक आदमी वहां पर आ जाता है जो पॉबी का दुश्मन रेड है। पॉबी और ब्रेम्बल जल्दी से पॉबी के विमान का यूज करके वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच ब्रेम्बल प्लेन के दूसरे पार्ट्स को ढूंढ लेता है जो कि किसी दूसरे विमान में है और उनसे ज्यादा दूर नहीं है। ये प्लेन उस ट्रूप्स का है जो पहले दिखाया गया था, जिसने पॉबी को पकड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद वे प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। जब एक बार पॉबी बाकी के टुकड़ों को खोजने में कामयाब रहता है तो वह अपने नेकलेस को वापस प्राप्त करने के लिए सोल्जर से लड़ाई करता है। इससे ब्रेम्बल को भी बाकी पार्ट्स को एक साथ मिलाने के लिए टाइम मिल जाता है। इसी बीच ये पता चलता है कि नेकलेस को एक मजबूत डाल के अंदर सुरक्षित किया गया है, जिस वजह से पॉबी इसे लेने में असमर्थ होता है। समस्या और भी बढ़ जाती है जब रेड वहां आ जाता है और उसके साथ पर्पल नाम की एक महिला भी आती है जिसके पास पॉबी का नेकलेस है। बाद में पता चलता है कि वे दोनों एक साथ पॉबी को इस प्लेन में फंसाने के लिए काम कर रहे थे ताकि वे उसे मार सके। ये उसे उन घटनाओं की याद दिलाता है जिसने बहुत समय पहले उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्लेन के सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद ब्रेम्बल पॉबी को उठाता है और वे उस नेकलेस के साथ वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रेड और पर्पल उनका पीछा करते हैं। अचानक ब्रेम्बल की इंटेलिजेंस कंबाइन हो जाती है और वे प्लेन को इस तरीके से कंट्रोल करने लगता है जैसी उसकी इच्छा है। जैसा ब्रेम्बल ने किया वैसा आज तक कोई नहीं कर पाया। पर्पल इतनी आसानी से हार नहीं मानती, इसलिए वे पॉबी को रोकने के लिए अपने सारे वेपन से उस पर अटैक कर देती है। वे मिसाइल से छुटकारा पाने के लिए स्पेस की ओर चले जाते हैं। ब्रेम्बल चांद पर कदम रखने वाला पहला भालू बन जाता है। वे अपने सारे दुख भुलाकर चांद पर खेलने लगता है। वे पॉबी को भी चांद की मस्ती का आनंद लेने के लिए इनवाइट करता है। वे एक जगह पर बैठकर अंतरिक्ष के शानदार दृश्य का आनंद ले रहे हैं। ब्रेम्बल को याद आता है कि वे पॉबी से पूछना चाहता था कि वे अर्थ पर क्यों आया है। पॉबी उसे बताता है कि वे अर्थ पर अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आया था और वे अर्थ पर ही पैदा हुआ था। पॉबी की स्पीसीज 10 लाख सालों से अर्थ पर रह रही थी। वे शांति से रहते थे और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। एक दिन रोबोट्स का एक ट्रूप क्विजोर्क वहां पर आ जाता है और वे उनकी शांति छीन लेता है। वे चारों तरफ तबाही मचा देता है। इस वजह से पृथ्वी के चारों ओर प्राकृतिक आपदाएं आने लगती है। इस कारण से पॉबी स्पीसीज को अर्थ को छोड़ना पड़ता है और एक दूसरे शांतिपूर्ण प्लेनेट की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन एक नए प्लेनेट की खोज में उनका विमान एक ब्लैक होल में गिर जाता है। पॉबी अपने माता पिता को बचाने में कामयाब रहता है और खुद सैकड़ों वर्षों तक असीम अंतरिक्ष में चारों तरफ भटकता रहता है, लेकिन जब वह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है तो उसे पता चलता है कि अर्थ वापस से रिकवर हो गई है और ये अब और भी सुंदर हो गई है। ब्रेम्बल को उसके लिए बहुत दुख होता है। पॉबी अपने पेरेंट्स को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी बीच रेड और पर्पल, जो ब्रेम्बल और पॉबी को पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं, लेकिन वे ब्रेयर, विक्टर और दूसरों को पकड़ने में सक्षम रहते हैं। वे उन्हें ये कहकर पकड़ लेते हैं कि पॉबी एक एलियन है जिसने ब्रेम्बल को किडनैप कर लिया है और वे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ब्रेम्बल को बचाने के लिए पर्पल, ब्रेयर और बाकी सबको पॉबी के खिलाफ कर देता है। इस सब का अंत हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ब्रेम्बल और पॉबी ने नॉर्थ पोल के ट्रूप पर हमला करके उन्हें हरा दिया है। नॉर्थ पोल ही वो आखिरी जगह थी जहां पॉबी अर्थ को छोड़ने से पहले रहता था। शेर के एंट्रेंस को केवल केट स्पीसीज के सीक्रेट कोड और पॉबी के नेकलेस का यूज करके ही खोला जा सकता है और ये वो लास्ट टाउन है जो इसके चारों तरफ की सुरक्षा शील्ड की वजह से लाखों सालों तक सुरक्षित रहता आ रहा है। ब्रेम्बल की इंटेलिजेंस इसी शेर की टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स के बदौलत आती है। शेर का एक रेडियो ट्रांसमीटर के अब भी काम करने की उम्मीद है, इसलिए पॉबी अपने पेरेंट्स को उनके जानकारी के बिना संदेश भेज सकता है। इसी बीच पता चलता है कि रेड और पर्पल के रोबोट्स शेर के अंदर घुस चुके हैं और उन्होंने सुरक्षा कवच को नष्ट कर दिया है। पॉबी को रियलाइज होता है कि रेड और पर्पल उन्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे क्विजोर की मदद से शेर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ब्रेम्बल को पता चलता है कि ब्रेयर और उसके अन्य दोस्तों ने रेड और पर्पल की टीम को ज्वाइन कर लिया है। ब्रेम्बल उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वे तो अर्थ को बचा रहे हैं जबकि असली दुश्मन तो रेड और पर्पल है। ये सुनने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। ब्रेयर और बाकी सब पॉबी के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ रेड पॉबी को हरा देता है और पर्पल दोबारा से क्विजोर को एक्टिव करना चाहती है। पॉबी उसे वार्न करता है कि इसका विनाशकारी प्रभाव पृथ्वी और अन्य ग्रहों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पर्पल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वे इसे इग्नोर कर देती है। ब्रेम्बल की आखिरी उम्मीद है जो अपनी इंटेलिजेंस से इस रोबोट को एक्टिव होने से पहले ही रोक सकता है। अनफॉर्चुनेटली पॉबी, ब्रेम्बल और बाकी सब नीचे गिर जाते हैं और इससे भी बुरा ये है कि ब्रेयर मलबे के नीचे दब जाता है। ब्रेम्बल ब्रेयर को मलबे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इस वजह से वे डेस्परेट होने लगता है। फॉर्चुनेटली ब्रेयर अभी भी जीवित है और वे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए
वह ब्रेम्बल से हमेशा प्यार करता रहेगा। एक परिवार के रूप में यह अच्छा नहीं है कि आप केवल बुरी चीजों के बारे में ही सोचें। सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें होती है। इसे सुनकर ब्रेम्बल एक्साइटेड और स्ट्रांग हो जाता है। इसी बीच पर्पल अपनी कॉन्शियसनेस खो देती है, जिस वजह से वे क्विजोर्क पर अपना कंट्रोल खो बैठती है और वे अपने सामने आने वाली सारी चीजों पर अटैक करने लगता है। ब्रेम्बल अपने सारे दोस्तों और वहां पर उपस्थित सारे लोगों को क्विजोर्क से बचाने में कामयाब हो जाता है। क्विजोर्क का मेन गोल है सिग्नल टावर को उड़ा देना, लेकिन पॉबी और ब्रेम्बल जल्दी से कुछ सोचते हैं। ब्रेम्बल की कॉन्शियसनेस उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां वे बिल्डिंग और उसके आसपास की वस्तुओं को कंट्रोल कर सकता है। इसी बीच ब्रेयर, उसके दोस्त और रेड ट्रूप्स ब्रेम्बल की मदद करने के लिए अपने सिंपल वेपन्स उठा लेते हैं। ब्रेम्बल अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज करके क्विजोर को हरा देता है। जैसे ही फाइट का अंत होता है, ब्रेम्बल देखता है कि पास्ट में पर्पल के माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और उसके आसपास के लोगों द्वारा उसे डराया जाता था। पर्पल केवल डर और अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए वे इस तरीके की बन गई। फाइनली क्विजोर एक्सप्लोड हो जाता है और पॉबी ब्रेम्बल और पर्पल को गिरते हुए बचा लेता है। इसके बाद वे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जीने लगते हैं। इस तरह ये कहानी यहीं प्रेरण हो जाती है।